हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा आज हम क्या बनाने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मैंने चिकन लिया है, तो चिली चिकन के लिए मैंने कुछ मतलब चुन कर लिया है चिकन। उसमें मैंने डाला है कि ये एग, फिर सॉल्ट, फिर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और थोड़ा डाल दीजिए विनेगर। विनेगर ये थोड़ा मतलब आपको अगर क्रिस्पी वाला चिली चिकन चाहिए तो आप एग इसमें मत ऐड कीजिए, क्योंकि क्रिस्पी वाला चिली चिकन अलग से रहता है ड्राई में। ये मैंने एग डाला है, ये बहुत ही सॉफ्ट कर देगा चिकन को। फिर मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर और मैदा आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा कॉर्नफ्लोर में ही पूरा इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैरिनेट कर लेंगे इसको हाफ एन आवर या वन आवर के लिए। इसको फ्रीज में रख दीजिए ढक के। फिर हम चिली चिकन के लिए सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है, उसमें 2 स्पून में सोया सॉस मिला रही हूँ। फिर उसके बाद ग्रीन चिली सॉस, ये आप 1 स्पून ही ऐड कर सकते हैं, बाद में भी आप करी में ऐड कर सकते हैं इसको। फिर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप, सॉरी विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर भी मैं एक ही स्पून ले रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन में पहले से ही विनेगर ऐड किया है। फिर उसके बाद मैं टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप भी आप बाद में भी करी में भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप कितना ऐड करना चाहते हो। फिर उसको भी अच्छे से मिला लीजिए। ये थिकनेस के लिए हम इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ताकि इसका ग्रेवी अच्छे से बन जाए। ये मैं थोड़ा रेड चिली सॉस भी ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ड्राई वाला चाहिए तो आपको इस सॉस मतलब स्किप करना पड़ेगा। वो ड्राई वाला भी मतलब वो सूखा सूखा ही रहता है, और ये सॉस आप डालोगे तो वो ग्रेवी बन जाएगा चिली चिकन का। फिर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। इसको अब अच्छे से मिला लीजिए। गरम पानी में कभी भी कॉर्नफ्लोर ऐड मत कीजिए, क्योंकि उसको गठलिया बन जाता है। फिर मैंने ये कुछ अनियन और कैप्सिकम स्क्वायर साइज में काट के रखा है, और ग्रीन चिली से लंबे करके, और कुछ लहसुन और अदरक का थोड़ा थोड़ा मतलब काट के ही मसाला जैसा बनाया है। ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम में कटा हुआ मसाला ही अच्छा रहता है, पेस्ट वगैरह इतना अच्छा नहीं रहता। फिर हम इसको चिकन को डीप फ्राई करेंगे 1 आवर के बाद। आप ऐसे टूथपिक डाल के देख लीजिए कि तेल कितना गर्म है। फिर इसको लो मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे। मैं एक एक करके चिकन को डीप फ्राई कर लूँगी। चिकन का आइटम तो सभी को ही पसंद है, लेकिन इसको बनाने का भी मतलब बहुत ही इजी रहता है। कोई गेस्ट आ गए तो फटाफट से भी चिकन बन जाता है। आप फटाफट से इसको स्टेयर मत कीजिए, उसके ऊपर कटिंग को अच्छे से आ जाने दीजिए। उसके बाद स्टेयर करके उसको 4 या 5 मिनट तक ही डीप फ्राई करेंगे। ये हमारा चिकन बनके रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से करी में ऐड करेंगे। मैंने करी में 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ज़्यादा है ये ऑयल मतलब अच्छा रहता है। और इसके स्मोक के लिए मैं इसे कढ़ाई में हर तरफ ऑयल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जो मैंने कटा हुआ मसाला रखा था अदरक लहसुन का और ग्रीन चिली, उसको डाला है। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, ताकि कच्चा रह जाए तो चिली में उसका अच्छे से खुशबू आ सके। फिर
फिर उसके बाद मैंने ऑनियन और कैप्सिकम को ऐड कर दिया है। इसको भी हम एक मिनट के लिए ही पकाएंगे, क्योंकि ऑनियन और कैप्सिकम ज़्यादा पक गया तो ये गल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा चाइनीज़ आइटम में। मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा विनेगर, फिर ब्लैक पेपर पाउडर ज़्यादा स्पाइसी के लिए। आप अपने हिसाब से स्पाइसी कितना बनाओगे उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। फिर मैंने जो सॉस बनाया था उसको ऐड कर दूंगी। ये अच्छी तरह, इसको आप स्टेयर मत कीजिए अभी, तो आप अच्छी तरह से उबाल आने के बाद ही इसको स्टेयर करेंगे ताकि ये अच्छे से थिक बन जाए। ये अब हमारा थिक ग्रेवी तैयार हो गया है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद ज़्यादा इसको मत पकाइए, क्योंकि ये अनियन और कैप्सिकम नहीं तो पूरा पक जाएगा और उसका स्वाद अच्छे से नहीं आ पाएगा। ये हमारा चिली चिकन रेडी हो गया है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।